बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल से सेकेंडरी स्कूल कोटादू से। लास्ट टाइम सिक्स क्लास में हमने HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के तीन मेथड पढ़े थे। एक कॉमन फैक्टर्स थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन थी, एक डिवीजन मेथड था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 से हम आज पढ़ने जा रहे हैं LCM। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन भी हो उस नंबर के मल्टीपल्स में हो और सबसे कम हो। मल्टीपल्स मीन्स यानी वो नंबर उस टेबल में आता हो और हो भी सबसे कम, और हो क्या कॉमन, यानी जब दो या दो से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो उनके दरमियान में जो हम लीस्ट कॉमन LCM लेंगे, यानी कि एक तो वो कॉमन होना चाहिए, दूसरा उनका मल्टीपल्स होना चाहिए, यानी कि उसके अगर मल्टीप्लाई करें उस चीज़ को तो वो उस टेबल में आता हो, तीसरा वो कॉमन हो। तो ये भी तीन मेथड से पढ़ेंगे। नंबर एक वही कॉमन मेथड का है, कॉमन मेथड कॉमन मल्टीपल्स की मदद से LCM मालूम करना है। सवाल नंबर एक मेरे पास लिखा हुआ है 5 और 6। अब मैं 5 के मल्टीपल्स लिखता हूँ। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 25, 30, आगे तक लिख सकते हैं, नो इशू। उसके बाद 6 के क्या है? 6 ones are 6, 6 twos are 12, 3 are 18, 4 are 24, 5 are 30। देखें 5 का टेबल भी आगे तक जाएगा, 6 का टेबल भी आगे तक जाएगा, लेकिन देखें लीस्ट मीन्स सबसे कम। तो हमें यहाँ पर एक सबसे कम कॉमन मिल चुका है, वो है 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LCM इज इक्वल टू 30, यानी ये 5 और 6 के टेबल में एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले, जो लीस्ट कम से कम कॉमन इन दोनों टेबल्स में ये बनता है। अगर कोई और आगे बनेंगे कॉमन, लेकिन हमें चाहिए था लीस्ट कॉमन, तो लीस्ट कॉमन यहाँ पे 30 है। ऐसे ही 2, 6 और 11 के हम लिख के देखते हैं। अगर मैं 2 का टेबल लिखूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसको मैं चलते जाएं, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66 के मल्टीपल्स लिख के देखते हैं। 6 ones are 6, 12, टेबल कहाँ तक? 6 tens are 60, और उसके बाद 66, यानी अगर हम 6 का टेबल 10 तक पढ़ लें, बीच में सारे डिजिट आ जाएंगे, 6 tens are 60 और 6 elevens are 66। नंबर नेक्स्ट पे है 11, 11 ones are 11, 22, 33, 44, 55, 66। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें 2 के टेबल्स हम पढ़ते जाएंगे, यानी कि पढ़ते गए तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर बना इन तीनों में, जो सबसे पहला कॉमन फैक्टर आया वो आता है 66। इससे पीछे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो। तो हमारे पास इसका जो LCM बनेगा, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो आ जाएगा 66। 2 का टेबल्स कंप्लीट लिख लें या डॉटेड में करके लिख लें, नो इशू। 6 का टेबल भी 66 तक कंप्लीट लिख लें या ऐसे कर लें, तब भी कोई मसला नहीं है। 11 का टेबल, तो इनमें सबसे पहला जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 66 का आता है। तो हमने लिख दिया कि LCM इज इक्वल टू 66। ये है हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स का मेथड। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि जो नंबर हमें दिया गया है हम उसका टेबल लिखते जाएं, उन तमाम नंबर्स का, 2 नंबर्स दिए जाएं, 3 नंबर्स दिए जाएं, 4 नंबर्स दिए जाएं, उनका टेबल आप लिखते चले जाएं जब तक उन चारों में कोई एक फैक्टर कॉमन ना आए। बेशक यहाँ 2 और 6 के टेबल में 6 कॉमन है, फिर 12 है, फिर 18 है, लेकिन वो इस 11 के टेबल में नहीं आते। 44 भी आ सकता है 2 के टेबल में, लेकिन वो 6 के टेबल में नहीं आता। तो इसीलिए मैं टेबल्स वहाँ तक लिखता गया जहाँ तक हमारे पास इसमें से कोई एक ना एक कॉमन नहीं आया। नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हमने लास्ट टाइम 2-3 मरतबा किया हुआ है कि जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन करनी है प्राइम नंबर्स लेकर। तो मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन नंबर वहाँ से 20 और 32, तो मैंने 20 की फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2 ones are 2, 0 वैसे ही, 2 fives are 10 और 5 ones are 5। तो 20 के फैक्टर मेरे पास क्या आ गए? 2 multiply 2 multiply 5। 32 की फैक्टराइजेशन अगर हम देखें, 2 ones are 2, 1 बचा यहाँ पे, 2 sixes are 12, 2 eights are, 2 fours are, 2 twos are और 2 ones are, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। अब यहाँ से लीस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है। देखें हमारे पास एक ये 2 कॉमन है, फिर से एक ये 2 कॉमन है,
तो मैं यहाँ से कॉमन फैक्टर लिख लेता हूँ, 2 × 2। उसके बाद जितने भी इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स बचेंगे वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स में यहाँ पे क्या है, एक ये 2 बच गया, फिर ये वाला 2 बच गया, फिर ये वाला 2 बच गया, फिर ये 5, 2 × 2 = 4। (32), 32 × 5 = 10 का 0, 1 यहाँ पे कैरी, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 16। यानी इसका आंसर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 160। नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 15, 18, 21। अभी तीन नंबर्स लिखे हुए हैं, हम क्या करेंगे इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 15, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 5। 18, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 3 × 1 = 18। 18 के क्या बनेंगे, 2 × 3 × 3, 21। 21 का क्या बनेगा, 3 × 7 = 7 × 1 = 21, 3 × 7। अब अगर यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर देखें, ये 3 सारे में कॉमन है तो 3 लिख लिया। उसके अलावा नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखें, ये 2, ये 3, ये 5 और ये 7, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन कॉमन्स हैं, यानी (2, 3, 5, 7) कॉमन जो फैक्टर होगा 2 में या 3 में, बाज़ औक़ात ये होगा कि कोई फैक्टर होगा जो कॉमन आ जाएगा, तीनों में नहीं आएगा, वो 2 में आ जाएगा, तो हम उसको भी 1 times लिखेंगे, ये नहीं कि उसको 2 मरतबा। जैसे यहाँ तीनों में ये 3 कॉमन था, फिर 2, 5, 3 और ये 7 ये नॉन कॉमन था, तो इनको भी लिख लिया। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90, 90 × 7 = 0, 7 × 9 = 63, 630 हमारा इसका आ जाएगा आंसर। फिर से देख ले क्या किया, पहले 15 को फैक्टराइज किया, 3 × 5 = 5 × 1 = उसके फैक्टर लिख ले, 3 और 5। 18 को किया, 2 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 = 1, 3 × 7 = 7 × 1 = 1। कॉमन फैक्टर्स एक सारे में 3 था, उसके बाद नॉन कॉमन में क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा, तो उन तमाम को लिख के हमारे पास आंसर आ गया 360। ये क्वेश्चन अगर बुक में हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी तरफ से भी कोई आ सकता है एलसीएम के लिए हमारे पास, तो नो इशू। सिर्फ हमें एक मेथड आना चाहिए एलसीएम फाइंड करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है, वो कॉमन मल्टीपल्स कहता है, या वो डिवीजन मेथड कहता है, तीसरा हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस बुक से दें आपको या कहीं बाहर से दें, नो इशू, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए। 20, 32 की बजाय कोई सा भी 2 नंबर्स आ सकते हैं, सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उन नंबर्स की हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन नंबर्स थे वो लिख लिए, और जो नॉन कॉमन्स थे वो सारे के सारे लिख कर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर 160 है। अब डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 नंबर आए, या हमारे पास 3 नंबर आए, या हमारे पास 4, 5 जितने भी नंबर आए, तमाम नंबर्स को एक ही स्टेप पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते हैं। कैसे, 27, 81, 54। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम मालूम कर रहे हैं तो 2 नंबर्स हैं या 3 है, तीनों को अलग अलग करना है। अगर डिवीजन मेथड से एलसीएम मालूम कर रहे हैं तो 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 हैं, तमाम को एक ही स्टेप पे रख के डिवीजन मेथड से करते जाते हैं। 2 के टेबल में 27 नहीं आता वैसे का वैसे, 81 नहीं आता वैसे का वैसे, 2 × 2 = 4, 1 बचा यहाँ पे, 2 × 7 = 14। अब 2 के टेबल में इनमें से कोई भी नहीं आता, नेक्स्ट 3, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6, 2 बचा 21, 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = और 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, 1 × 1 वैसा ही, 3 × 1 = 3, 1 =
ये है लॉन्ग डिवीजन का मेथड। हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर हैं, दो आए, तीन आए, सबको एक ही स्टेप पे, एक ही साथ एक ही नंबर पे फैक्टराइज करते चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब तक यहाँ पे वन वन आए चलते जाते हैं, फिर इन तमाम को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम क्या है, 3 × 3 × 3 × 3 × 2, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 2s are 81 × 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 162 हमारे पास आ जाएगा इनका एलसीएम, यानी 162 वो लीस्ट कॉमन नंबर है। अगर आप 27 का टेबल लिखते जाएं, 81 का टेबल लिखते जाएं, 54 का टेबल लिखते जाएं, तो 162 वो पहला नंबर है जो इनमें कॉमन आएगा, लीस्ट कॉमन आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट को देखते हैं, 112, 120, 50, तीनों को एक ही स्टेप पे फैक्टराइज, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 0 2 7s are 14, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 8s are 2 3s are 6, 75 2 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर वैसे का वैसे, 2 1s are 2 4s are 2 1s are 1 बचा, यहाँ पे 2 5s are 10, 75 नहीं आता फिर से वैसे का वैसे, 2 7s are 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 75 नहीं आता वैसे के वैसे, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 1 यहाँ पे 3 5s are 15, 7 नहीं आता, 5 1s are 5, 5s are 7 नहीं आता वैसे ही, 5 1s are 5 और 7 1s are 7। देखिए मैंने ये स्टेप यहाँ से आगे चला दिया, जब यहाँ पे प्राइम नंबर्स बच जाए ना, आप बेशक इसको यहीं पे छोड़ दें लेकिन इन प्राइम नंबर्स को फिर साथ मिला लेंगे। अब हमारे पास आंसर में किस किन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन तमाम को, क्या है, 7 × 5 × 5 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 1 2 3 4 4 times 2 1 time 3 2 times 5 or 1 time 7, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are 48 48 multiply by 5 5 8s are 40 का 0 4 carry 5 4s are 20 or 4 24, यहाँ तक हमारे पास बन गया 240 फिर multiply by 5 5 0s are 5 4s are 20 का 0 2 5 2s are 10 or 2, यहाँ तक जब आया ये बन गया 1200 × 7 7 0s are 0, 7 0s are 0, 7 2s are 14 का 4, 1 carry 7 1s are 7 or 1 8 4 0 0, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 8 4 0 0, यानी 112, 120 और 150 का अगर आप टेबल लिखते जाएं तो जो सबसे पहले लिस्ट कॉमन आएगा वो आएगा 8 4 0 0, यानी कि 8400। आज हमने क्या किया, एलसीएम मालूम करने का तरीका पढ़ा, एलसीएम में तीन मेथड पढ़े, एक कॉमन मल्टीपल्स, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड। कॉमन मल्टीपल्स में आप क्या करेंगे, जिन नंबर्स का एलसीएम मालूम करना है उनका टेबल्स लिखते चले जाएंगे, जब तक लिखेंगे जब तक उन तीनों में कोई एक नंबर कॉमन नहीं आता। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है, वहां से आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने के बाद जो उनमें तीन में कॉमन हो या दो में कॉमन हो वो एक मरतबा लिखेंगे, उसके बाद जो भी नॉन कॉमन फैक्टर्स बचेंगे वो सारे के सारे लिख के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर एलसीएम आ जाए डिवीजन मेथड से तो दो नंबर दे या तीन नंबर दे, उन तीनों को आप एक ही स्टेप पर लिख लेंगे और एक ही स्टेप पर उसको डिवीजन मेथड से हल करते जाएंगे और जो यहाँ पर उसके फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ का आपका जो सिलेबस था वो कंप्लीट हुआ। इस मंथली टेस्ट में ये तीसरे चैप्टर में इतना ही होगा, बस 3.6 नहीं है, इनको अच्छी तरह से तैयार करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।